दोस्तों, ये कहानी आज से तकरीबन 12 साल पहले की है। उन दिनों मैं बिहार के एक छोटे से गांव में हसनपुर के अस्पताल में काम किया करता था। एक रात अस्पताल में ज़्यादा मरीज़ों की वजह से रात के 12 बज गए थे और मुझे बहुत ही देर हो रही थी। मैं अभी घर नहीं गया हुआ था और मेरी वाइफ बार बार मुझे कॉल कर रही थी और मेरे पास मरीज़ों का मेला लगा हुआ था। किसी तरह के भी करके मरीज़ों की भीड़ ख़त्म ही नहीं हो रही थी। फिर 12 से 1, 1 से 2 बज गए थे, तब जाके भीड़ ख़त्म हुई और मैं हॉस्पिटल में फ्री हुआ। फिर मैं हॉस्पिटल से घर के लिए चल पड़ा। उस रात तेज़ बारिश हो रही थी। मैं भीगते भीगते अपने घर पहुंचा। कपड़े गीले हो जाने की वजह से मैं अपने कपड़े बदल ही रहा था कि अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। तो फिर मैंने सोचा, अरे यार, इतनी रात को कौन आया होगा। मैं मन ही मन में कुछ फुसफुसा रहा था कि इतनी रात में कौन आया होगा। फिर मैंने दरवाज़े की ओर गया और दरवाज़ा खोला। मैंने दरवाज़ा खोलकर दरवाज़े की बाहर की तरफ देखा और मैंने देखा कि एक लड़की जो बरसात में भीगी हुई थी, रोते हुए कहने लगी कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी चलिए नहीं तो मेरी माँ मर जाएगी। डॉक्टर साहब, प्लीज़ प्लीज़, हाँ मेरे घर चलिए। फिर दोस्तों, मैंने उससे कहा, उस लड़की से कहा कि रात को मैं मरीज नहीं देखता हूँ, आप ऐसा करिए, सुबह अस्पताल अपनी माँ को ले आना, मैं वहीं पर देख लूँगा। मगर वो लड़की नहीं मानी। वो जाने के लिए तैयार नहीं थी और रोने गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी को उस लड़की पर दया आ गई और मुझे उसके साथ जाने को कह दिया। फिर मैं मन ही मन परेशान होते हुए बाहर आया और अपनी जीप निकाली। सुनसान रास्ते से होते हुए वो लड़की मुझे तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में ले गई। फिर मैंने सोचा कि ये लड़की इतनी रात को मेरे यहाँ कैसे पहुँची होगी। तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर मेरा घर है, ये लड़की क्या पैदल पैदल ही भीगते हुए मेरे घर पहुँची थी क्या। मैं मन ही मन में ये सारी बातें सोच रहा था उस लड़की के बारे में। फिर दोस्तों, मैंने इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हुए एक मकान में पहुंचा और वहां उसकी माँ बीमार पलंग पर लेटी हुई थी। मैंने उसकी नब्ज देखी और इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाइयां लिख दी। उस लड़की ने मुझको बाहर मेरी जीप तक मुझको छोड़ दिया। फिर मैंने घर पर पहुंच आया और मैं घर पर आकर चुपचाप से सो गया। फिर दोस्तों, अगली सुबह मैं जब अस्पताल के लिए जाने लगा तो मैंने सोचा कि यार, रात वाले मरीज को मिलता चलूं, थोड़ा लेट ही सही अस्पताल पहुंचूंगा, लेकिन मैं उस पहले मरीज की खैर खबर ले लूं। फिर दोस्तों, मैं ये सब बातें सोचकर उस गांव में पहुंच गया। मैं रात को जिस मकान में गया वो उस जगह पर मुझे नहीं दिखा, वो मकान ही मुझे नहीं दिखा, मुझे उस जगह पर एक खंडहर नज़र आया था। तो मैं गांव के लोगों से पूछने लगा कि मैं यहाँ एक घर और परिवार रहता था और वो परिवार कहाँ चला गया है। मेरी बात सुनकर गांव के लोग हंसने लगे और मुझे बहुत ही अफसोस नगर से देखने लगे। फिर लोगों ने हैरानी से देखते हुए कहा, अरे डॉक्टर साहब, यहाँ कोई तो नहीं रहता है।
और डॉक्टर साहब यहाँ ऐसा कोई घर नहीं है और ये बहुत सालों से खंडहर ही है। डॉक्टर साहब आपको क्या हो गया है, आप क्यों ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं? फिर दोस्तों गांव वालों की बात सुनकर मेरे एकदम से रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि रात को जो मेरे साथ हुआ वो क्या था। फिर दोस्तों वहाँ के लोगों ने बताया ये प्रेत लीला है जो हर साल किसी एक इंसान के साथ होती है। ये तो गनीमत है कि आप जिंदा बच गए, वरना वो आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ती। डॉक्टर साहब पता नहीं उसको आप पर कैसे तरस आ गया कि उस आत्मा ने आपको जिंदा ही छोड़ दिया। और डॉक्टर साहब इस इलाके में कोई भी नहीं आता, उस खंडर के पास कोई भी डर के मारे नहीं जाता है, क्योंकि डॉक्टर साहब वो प्रेत आत्मा बहुत ही डरावनी आत्मा है, बहुत लोगों को मार चुकी है, इसीलिए डॉक्टर साहब वहाँ पर कोई भी नहीं आता ना जाता है। और डॉक्टर साहब वहाँ जो भी चला जाता है वो आत्मा उसे जिंदा ही मार डालती है। फिर दोस्तों गांव वालों की बात सुनकर मैं बहुत घबरा गया। दोस्तों मैं भूत प्रेत में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, और मैं जब गांव वालों के साथ उस खंडर में पहुंचा तो उस खंडर के बाहर ही मेरी जीभ के पहिए के निशान थे और वो इंजेक्शन और वो दवा भी वहीं पड़ी हुई थी जो मैंने रात को उस बूढ़ी के इंजेक्शन लगाया था, वही इंजेक्शन था, और जो मैंने दवाइयाँ लिखी थी वही दवाइयाँ थी। ये सब देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े ही हो गए, मैं बहुत हैरत में पड़ गया। फिर दोस्तों मैंने बिना लोगों से और बातें किए फिर से घर लौट आया, और मेरी भी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई और मैं बहुत ही ज़्यादा डरने लगा। और मैंने सोचा, फिर मैंने अपनी बीवी को बताया, हमें यार कल रात को जो लड़की आई थी ना, हाँ हाँ वही लड़की, जो लड़की आई थी ना वो असल में कोई लड़की नहीं, वो बल्कि एक प्रेत आत्मा थी। जैसे ही मैंने अपनी बीवी को बताया मेरी बीवी भी बहुत ही डर गई। फिर मेरी बीवी ने कहा, भला हो आपका कि आप उस प्रेत आत्मा से बचकर आ गए, और मैं अब आपसे कह देती हूँ कि आपको रात को इतनी देर में अब नहीं आना है। फिर दोस्तों उसके कुछ दिनों बाद मेरा दूसरी जगह तबादला हो गया, दूसरे गांव में मैं पहुंच गया। लेकिन दोस्तों उस रात की घटना के बारे में मैं सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है और मेरे जिस्म में सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उस रात मैं मरते मरते बचा था। और दोस्तों आज तक भी उस लड़की और उस बूढ़ी की आत्मा मेरे सपनों में आती है। लेकिन खुशी की बात तो ये है दोस्तों कि उस दिन के बाद से मुझे वो लड़की और वो आत्मा कभी भी मेरे सामने नहीं आई। फिर हम सब लोग खुशी खुशी अपने परिवार में रहने लगे, और उस रात की घटना के बारे में हम लोगों ने किसी को भी कुछ नहीं बताया। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। एक उत्तर प्रदेश में एक ऐसा स्कूल है जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि इस स्कूल में कुछ ऐसी घटना घटित हुई है जिसकी वजह से लोग इस स्कूल में जाने से डरते हैं, और यहाँ तक कहा जाता है कि अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए उस स्कूल में नहीं भेजते हैं। दोस्तों आखिर इस स्कूल में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से लोग इतने डर गए हैं और अंदर जाने से डरते हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में एक स्कूल है। इस ज़िले में एक अनोरंगज स्थित बंगला नंबर 128 में एक
प्राथमिक स्कूल है जिसमें 2 कमरे और 3 शिक्षक थे और लगभग 10 बच्चे थे और 3 मास्टर थे। धीरे धीरे बच्चों की संख्या कम होने के कारण इस स्कूल से एक शिक्षक का इस्तीफा यानी ट्रांसफ़र भी कर दिया गया था, क्योंकि स्कूल में पढ़ने वाले की संख्या कम थी और मास्टर ज़्यादा थे, इसलिए एक मास्टर का ट्रांसफ़र करा दिया गया था। तभी स्कूल की दूसरी मास्टर ने बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक कर्मचारी की पत्नी ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। फिर कुछ दिन बाद ही स्कूल के कुछ बच्चे भी बीमार हो गए, जिसमें से एक छात्र की मौत भी हो गई। लोगों ने अफवाह फैला दी कि इस स्कूल में शायद किसी आत्मा का वास है, जिसकी वजह से बच्चों के साथ ऐसी घटना घटित हुई है। फिर धीरे धीरे और कई घटना घटती रहीं और धीरे धीरे लोगों के अंदर डर पैदा हो गया। गांव के सभी लोग दहशत में आ गए थे, यहां तक कि लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था और गांव के लोग भी उस स्कूल में नहीं जाते थे। ऐसा बताया जाता है कि आज से लगभग 6 साल पहले इस स्कूल में सब कुछ ठीक था, लेकिन स्कूल में कर्मचारी की पत्नी ने कमरे में फांसी लगा ली थी, जिसकी वजह से सन 2014 में स्कूल के एक साथ 2 दर्जन बच्चे बीमार हो गए थे। तभी स्कूल के एक बच्चे ने बताया कि उसने किसी औरत को लाल साड़ी में कुर्सी पर बैठे हुए देखा है और इसी के चलते सारे बच्चे भी बेहद बीमार हो गए हैं और सारे बच्चे बहुत डर गए, जिसके इलाज के लिए उनको हॉस्पिटलों में ले जाया गया, मगर कई बच्चे तो उनमें से मर गए थे। दोस्तों, लोगों का भी यही कहना है कि उन्होंने भी इस औरत को देखा है जो पहले मर चुकी है। वहीं पर बंगला नंबर 128 के निवासी ने बताया कि आत्मा आज भी स्कूल में मौजूद है। आत्मा के भागने के लिए स्कूल में हवन भी कराया गया और तांत्रिकों को बुलाकर आत्मा को भगाने की कोशिश भी की गई, लेकिन आत्मा अभी भी उसी कमरे में अपना ठिकाना बनाए हुए है। और दोस्तों, वहां के रहने वाले लोगों का कहना भी यही है कि शाम होते ही आहट सुनाई देने लगती है, कभी रोने की तो कभी गुनगुनाने की। वो महिला अभी भी लाल साड़ी में स्कूल के अंदर जाते हुए लोगों को नज़र आती है और उस महिला को देखकर लोग भी बहुत डर जाते हैं। फिर दोस्तों, इसके बाद से वो स्कूल बंद कर दिया गया और उसमें वही महिला चुड़ैल उस स्कूल में रहने लगी।